शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग गौरव शालिनी। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ मीशो से परचेज किए हुए टॉप 5 साड़ियों के कलेक्शन, जिसे मैंने पिक किया है मीशो के ट्रेंडिंग पेज से। सो आने वाले फेस्टिव सीजन्स के लिए, आने वाले मतलब जो रनिंग चल रहा है पार्टी सीजन, उसके लिए काफ़ी परफेक्ट वाली साड़ियाँ हैं ये। सो इनकेस अगर आज की साड़ी में से आपको कोई भी साड़ी पसंद आती है, आप इनको परचेज करना चाहते हो, तो इन सभी का लिंक एंड कोड दोनों प्रोवाइड कर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको सिंपली लिंक या कोड पे लिंक पे टैप करना है एंड कोड को ले जाके मीशो पे सर्च करना है एंड आप इजिली इन्हें परचेज कर सकते हो अगर आज की साड़ी आपको पसंद आती है। ये साड़ियाँ ट्रेंडिंग होने के साथ साथ काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। एक ही साड़ी है जो मैंने 6+ लिया है, बाकी की सारी साड़ियों को मैंने अंडर 500 में ही पिक किया है। सो काफ़ी बजट फ्रेंडली वाला भी हॉल होने वाला है आप सभी के लिए। सो बिना देरी के करेंगे हम अपनी आज के साड़ियों की। जो मैंने आज के हॉल के लिए फर्स्ट साड़ी पिक किया है उसकी ओरिजिनल इमेज आपको साइड में दिखेगी, प्राइस भी आपको साइड में दिख जाएगी इमेज के साथ ही। सो ये साड़ी मैंने मोस्ट ट्रेंडिंग साड़ी के हिसाब से लिया है, क्योंकि जब भी मैं ओपन करती हूँ मीशो तो मुझे इसका सजेशन ज़रूर आता था, तो मैंने इस बार इसको पिक कर लिया आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि इसमें कलर ऑप्शंस भी हैं, आई थिंक 2 कलर थे उस टाइम जब मैंने पिक किया, तो आई थिंक अभी और भी आ गए होंगे या फिर और भी सेलर्स होंगे जो आपको ढेर सारे कलर प्रोवाइड करा रहे होंगे। सो मैंने जो कलर लिया है वो बॉटल ग्रीन लिया है। इसके साथ जो मुझे एक्सटेंशन रिसीव हुआ है, मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सा बेल्ट मिल जाएगा, जिसे आप चाहो तो इस साड़ी के साथ भी यूज़ कर सकते हो या फिर चाहो तो आप अदर साड़ी के साथ भी यूज कर सकते हो। ये काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी का आपको बेल्ट मिल जाता है, उठाने में बहुत लाइट वेट है, आप जस्ट कह सकते हो ना बॉर्डर होते हैं ना उस तरीके का ही ये आपको रिसीव हो जाता है। यहाँ पे दोनों साइड में आपको नॉट डोरी दिया गया है, जिसे आप अपने कमर के हिसाब से अच्छे से बांध सको एंड बहुत ही ब्यूटीफुली इसका वर्क किया गया है। सो ये मल्टीपर्पज़ टाइप का बेल्ट प्रोवाइड किया गया है। साथ में अब आते हैं साड़ी पे, तो आपको साड़ी एंड ब्लाउज एक ही सेम प्रिंट सेम पैटर्न में रनिंग मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साड़ी ओपन करेंगे। कलर इसका बॉटल ग्रीन टाइप का है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है बॉटल ग्रीन का, थोड़ा सा ना सेडेड लाइट ग्रीन आप बोल सकते हो उस तरीके का है। सो यहाँ पे साड़ी स्टार्ट होती है, मैं पहले ब्लाउज ही आपको शो कर देती हूँ क्योंकि ब्लाउज मेरे हाथ में पहले आ गया। सो ब्लाउज आपको यहाँ पे रिसीव हो जाता है, आप 80 सेंटीमीटर का यूज़ करो या फिर 1 मीटर काट के निकाल लो, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर है क्योंकि रनिंग में है। बस यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा ब्लाउज की पहचान के लिए ये बॉर्डर प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपको पहचान में आ जाए कि यहाँ पे ब्लाउज अटैच है। तो ये अटैच किया हुआ है बॉर्डर ब्लाउज के फैब्रिक पे, आप अपने ब्लाउज में इसे स्लीव्स पे लगवा लो, बैक पे लगवा लो, इससे कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करा सकते हो। बिल्कुल ये मैचिंग दिया है बेल्ट के। सो काफ़ी सुंदर सा ये यहाँ पे मिल जाता है ब्लाउज का फैब्रिक। पूरी जो साड़ी है ना आपको बिल्कुल प्लेन एंड रनिंग जाएगी। बस आपको साड़ी में एक खास चीज़ यही मिलेगी कि इसके किनारों पे ना इस तरीके के गोटापट्टी का वर्क मिल जाएगा। ये ऊपर के साइड में है, लगभग 2.5 मीटर ऊपर के साइड में दिया है, और नीचे के साइड में आपको पूरी साड़ी जहाँ पे ख़त्म होती है ना साड़ी, वहाँ तक वो प्रोवाइड किया गया है ये गोटापट्टी का बॉर्डर। एंड ये ट्रायंगल शेप में है, तो बिल्कुल प्लेन शोवर पीस अगर आपको चाहिए ना तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। फैब्रिक जो है वो बहुत लाइट वेट है, तो बिगिनर्स के लिए बहुत अमेजिंग पीस है ये। आप अगर इसे फुल डे कैरी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैरिड के लिए भी अच्छा है, आपको पहन के काम वाम करना है तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। बहुत लाइट फैब्रिक है, जॉर्जेट एंड शिफॉन मिक्स काइंड ऑफ फैब्रिक है, जो बहुत लाइट वेट होता है एंड ईजिली बहुत ड्रैप हो जाता है। सो ये बिगिनर्स के लिए भी है एंड मैरिड के लिए भी है, बहुत परफेक्ट सा ऑप्शन है। सो दिस इज माय फर्स्ट पीस, मूव ऑन करेंगे हम। जिस हॉल की मैंने नेक्स्ट साड़ी पिक की है वो मोस्ट ट्रेंडिंग साड़ी है, काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग में है ये साड़ी। ये मैंने पिक किया है प्लीटेड साड़ी। पहले मैं आपको शो करूँगी इसका ब्लाउज का फैब्रिक। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 1 मीटर का ब्लाउज का फैब्रिक एंड इसकी शाइन आप देखो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये होप की कैमरा कैप्चर कर रहा होगा, काफ़ी अच्छी सी शाइन है इसके। एंड पूरा जो फैब्रिक है वो आपको बैंगलोरी सिल्क मटेरियल मिलेगा, व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन पे दिया हुआ है, पीछे का साइड थोड़ा सा रुखा है, फ्रंट साइड जो है वो काफ़ी शाइनिंग वाला है, तो आप इसके साथ बहुत सुंदर सा ब्लाउज बनवा सकते हो। अच्छा प्लेन व्हाइट है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साड़ी के साथ जाएगा, ये मल्टीपर्पज़ टाइप का ब्लाउज का फैब्रिक है, आप किसी भी अदर साड़ी के साथ पेयर करना चाहोगे तो चला जाएगा, बिकॉज बिल्कुल प्लेन फैब्रिक प्रोवाइड किया गया है। सो मल्टीपर्पज़ वाला ब्लाउज इसका बन जाने वाला है। साथ में जो मैंने साड़ी पिक किया है, ये मैंने पिक किया ना पूजा के लिए भी सही है, किसी का हल्दी फंक्शन अटेंड करना है उसके लिए ही सोच के मैंने ये लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कलर इसका बहुत सुंदर, बिल्कुल हल्दी वाला ही कलर आपको रिसीव हो रहा है,
पूरी साड़ी जो है वो पूरा प्लीट के ऊपर जाएगा, इस तरीके की छोटे छोटे से प्लीटेड साड़ी बनाया गया है। अच्छा मैं क्लोजली दिखाऊँ ना तो इसमें आपको छोटे छोटे से ये प्रिंट मिल जाएंगे बांधनी वाले, पूरी साड़ी पे आपको ऊपर से नीचे तक मिल जाएंगे। एंड साड़ी जो है वो पूरी रनिंग जा रही है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था एंड इजिली ड्रैप हो जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा यूनिक दिखना चाहते हो ना तो इसके साथ जा सकते हो, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी हैं, तो चॉइस आपकी है आप किसके साथ जाओगे। बट ये एक अच्छा सजेशन है, ट्रेंडिंग मतलब इस सीज़न में जो ट्रेंड कर रही हैं साड़ियाँ उनके हिसाब से ये बहुत अच्छी सी साड़ी है, बजट फ्रेंडली है, काफ़ी कम प्राइस में मैंने पिक किया था। लेंथ एंड विड्थ बहुत अच्छी है, तो आप बहुत हाइटेड हो तो भी आ जाएगा, एंड अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप इजिली इसे ड्रैप कर सकते हो, लॉन्ग टाइम भी कर सकते हो क्योंकि लाइट वेट है। जिस हिसाब से ये दिख रहा है ना फुला फुला, उस पर मत जाइएगा, बहुत ईजिली ये ड्रैप हो जाने वाला है। सो दिस इज माई नेक्स्ट साड़ी, मूव ऑन करेंगे हम। नेक्स्ट साड़ी लिया ना उसके लिए मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। अच्छा मेरे साथ होता है मीशो से, मैं कुछ भी लूँ डिसअपॉइंट ना हो ये हो ही नहीं सकता, वो उन्होंने जिम्मा लिया है मुझे डिसअपॉइंट करने के लिए। सो मैंने पिक किया था ये वाली साड़ी, इमेज मैंने यहाँ दे दी है, पर मुझे रिसीव हुआ है ये वाली साड़ी, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था आप लोगों के साथ ये शेयर करने का, बट मैंने कहा कि एक बार शो कर ही देते हैं जब रिसीव हुआ है तो। अच्छा मेरी भी थोड़ी सी गलती है कि मैंने पार्सल ओपन नहीं किया था उस टाइम पे, ऑलमोस्ट 7 to 8 days बाद मैंने ओपन किया, तो टाइम कम होने की वजह से मैंने ओपन नहीं किया, तो उसमें से ये निकला। फिर मैंने, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसे रिटर्न करने का क्योंकि उनका रिटर्न पीरियड काफ़ी कम होता है, सो मैंने इसे रख लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ शो कर देती हूँ इसका। ऐसा नहीं है कि साड़ी का फैब्रिक ख़राब है, कलर ख़राब है, बस मैंने इसे चूज़ नहीं किया था इस वजह से मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल ही डिफरेंट मुझे प्रोवाइड किया गया। अच्छा ये काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, आनंद साड़ी से है ये, मीशो पे भी है, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, हर जगह आनंद साड़ी की साड़ी आपको मिल जाएगी। सो उससे लिया है, उनके साथ इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है तो इट्स उनका फॉल्ट है ये। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लैक, बीच में आपको इस तरीके से कलरफुल वाले मिल जाएंगे प्रिंट, बहुत भड़काऊ टाइप का प्रिंट दिया हुआ है। फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है, आप अगर इसे डेली बेसिस के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी पार्टी वेयर के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मैं सजेशन दूंगी। वो वाला जो मैंने प्रिंट पिक किया था वो आराम से पार्टी फंक्शंस में चला जाता है, बट ये नहीं जाएगा, सो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। चॉइस अगर आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है तो आप जा सकते हो, कलर ठीक ठाक है, फैब्रिक अच्छी है, फैब्रिक क्वालिटी अमेजिंग है, तो ये टोटली आपके ऊपर है, आपको अगर लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसका भी मैं कोड आपको दे दूँगी एंड लिंक भी दे दूंगी, आपके ऊपर है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। सो दिस इज माय नेक्स्ट साड़ी, मूव ऑन करते हैं। सो गाइस जो मैंने इस हॉल की नेक्स्ट साड़ी पिक की है वो टोटली ब्लैक लिया है, मतलब ब्लैक पार्टी में ना पहनो तो मज़ा नहीं आता है, और स्पेशली मेरा हॉल और ब्लैक ना हो ये हो ही नहीं सकता, तो मैंने लिया है ये ब्लैक कलर की काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की साड़ी। एंड मैं आपको शो करती हूँ इसका आगे का पार्ट, ये आपको बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक का जॉर्जेट जाएगा, जो बहुत लाइट वेट वाले जॉर्जेट होते हैं ना बिल्कुल उस तरीके का है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से एम्ब्रॉयडरी का वर्क, उसके चारों तरफ आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। अच्छा इस टाइम बहुत हैवी वाले सीक्वेंस चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हैवी सीक्वेंस पहनना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट वो ट्रेंडिंग में है तो उनके लिए ये ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसमें आपको सीक्वेंस का वर्क ना बस ये 2 से 3 लाइन इसमें किया गया है, बाकी ये थ्रेड का वर्क है, तो ये बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करेगा एंड आपको एक बहुत सुंदर सा एलिगेंट सा लुक दे देगा, क्योंकि बहुत तड़क भड़क जिनको नहीं पसंद है उनको ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है, बहुत हल्का सा शाइन करेगा आपको। इसकी एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी बहुत अमेजिंग दिया है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ दिया है। अच्छा इस साड़ी की एक और अच्छी खास क्वालिटी ये है कि मोस्टली साड़ियों में क्या होता है, आंचल में आपको हैवी वर्क दे देते हैं एंड आपके घुटने से नीचे हैवी वर्क देते हैं, बट ये साड़ी जो है ना ये आपको ऑल ओवर साड़ी 5.5 मीटर की साड़ी में आपको पूरी साड़ी के अंदर ही ये वर्क देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से आपको रिसीव हो जाता है ब्लाउज का फैब्रिक जो बिल्कुल प्लेन दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि साड़ी काफ़ी हैवी है तो ब्लाउज प्लेन ही अच्छा लगेगा इस पर, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इसी में है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कटा सकते हो, जितना आप अगर ज़्यादा हेल्दी हो तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग निकलवा लेना, बाकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है इसका। अगर आप ब्लाउज बनवाओगे ना तो हर सीजन में पहनने के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा, क्योंकि बहुत लाइट वेट वाला ये आपको मिल जाता है फैब्रिक। सो कमाल की खूबसूरत वाली साड़ी मुझे ये रिसीव हुई, आई थिंक इसके अंदर भी कलर ऑप्शंस है बट ब्लैक ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, मैं इतना आपको बता देती हूँ।
क्योंकि ब्लैक पे ना ये सीक्वेंस का जो हल्का हल्का शाइन कर रहा है ना वो बहुत सुंदर दिख रहा है। बाकी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो। सर दिस इज माय नेक्स्ट साड़ी, मूव ऑन करेंगे हम। जो इस साल की मैंने लास्ट साड़ी ली है वो इस सीजन की मोस्ट ट्रेंडिंग साड़ी है, तो यहाँ पे मैंने पिक किया है वेलवेट की साड़ी। फर्स्टली हम बात करेंगे इसके ब्लाउज के फैब्रिक की, तो यहाँ पे आपको ब्लाउज का फैब्रिक वेलवेट कलर वेलवेट का ही मिलेगा। कलर जो मैंने लिया है वो बॉटल ग्रीन लिया है। इसके ऊपर ये काफ़ी हैवी सा एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा पूरे फैब्रिक पे ही। फैब्रिक मुझे थोड़ी सी कम लगी, अगर आप बहुत हेल्दी हो तो आपको नहीं आने वाला है ऑनेस्टली मैं बता देती हूँ। बट अगर आप थोड़े से हल्के फुल्के हो, लाइट वेट हो, तो आप बनवा सकते हो। अगर आप बहुत हेल्दी हो तो इसका स्लीवलेस ही आएगा, बट उसमें उन्होंने फुल स्लीव दिखाया, तो कहीं से भी इसमें फुल स्लीव ब्लाउज नहीं बनने वाला है। आप अगर बनवाना है तो आप बाहर से फैब्रिक ले सकते हो। एंड इसके वेलवेट का जो बेस दिया ना ये भी मीडियम क्वालिटी का है, बहुत रिच क्वालिटी का नहीं है। बिकॉज मैंने शॉप पे भी जाके देखा तब मैं इसे आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो एम्ब्रॉयडरी तो अच्छी खासी है बट फैब्रिक क्वालिटी थोड़ी कम है। एंड आप इसका ब्लाउज हाफ स्लीव्स का बनवा सकते हो, हाफ इन द सेंस कि अगर यहाँ तक का चाहते हो तो भी बन जाएगा, बट अगर आप फुल चाहोगे जैसा कैटलॉग में दिया है वैसा नहीं बनेगा। एंड मूव ऑन करेंगे साड़ी पे, तो साड़ी जो है आपको पूरी साड़ी बिल्कुल प्लेन रनिंग जाएगी। बस इसमें यहाँ पे ना किनारों पे कटवर्क का डिज़ाइन दिया है एंड इस पे ये गोल्डन कलर का कुछ तार लगा के दिया है, जिससे ये काफ़ी उभर के लुक आ रहा है इसका। पूरी साड़ी 5.5 मीटर की है, रनिंग साड़ी है, क्वालिटी शाइन भी ठीक ठाक है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी मैं नहीं बोलूँगी। मैं फिर बता दी क्योंकि मैंने शॉप पे देखा है, मुझे भी बड़ा मन था कि चलो मैं भी एक इस वेडिंग सीजन एक ये ट्राई करती हूँ वेलवेट वाली। तो मैंने पहले शॉप पे देखा, फिर मैंने मीशो पे देखा, प्राइस बहुत कम था, तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको फैब्रिक रिसीव हो रही है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बहुत रिच वाली है। हाँ बट ये भी ठीक है कि एक सीजन ही आपको पहनना है, क्योंकि ये जो जो वेलवेट के फैब्रिक्स होते हैं ना इनके सीजन ऑल टाइम नहीं रहते हैं। अभी बस तुरंत हमारे स्टार्ट होने वाला है मार्च से गर्मी, तो उसमें आप बिल्कुल नहीं पहन पाओगे क्योंकि बहुत ये थोड़ा सा हैवी वेट होता है, ये विंटर के लिए ही अच्छा होता है। तो अगर इस सीज़न में आपको लेना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। कलर अच्छा है, मीडियम क्वालिटी है, बहुत रिच नहीं बोलूँगी। हाँ ऐसे देखने में मुझे काफ़ी फुला फुला लग रहा था, बट पहनने में आप इजिली इसे ड्रैप कर लोगे और ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भारी सा फील आ रहा है, बहुत लाइट वेट है, इजिली आप इसे फुल डे कैरी कर सकते हो। सो ये रहा मेरा आज का लास्ट साड़ी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आती रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।